जिनके नहीं बने नहीं बने हैं उनको मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बनवा दीजिएगा अपने हिसाब से जो रहें। हाँ, गाँव के बच्चों की शिक्षा और सही ढंग से उसके लिए आपकी क्या योजना है? देखिए शिक्षा के लिए तो ये है कि अब शिक्षा तो मान लो COVID-19 की वजह से सब स्कूलें बंद थे अभी तक। वैक्सीनेशन तो मैंने लगभग अपने यहाँ 70% करवा दिए हैं। जो बचे हैं और होता है तो आगे उनको भी मैं करवाता हूँ। कैंप लगवा के मैंने करवाए हैं और आगे हो सकता है जो बचे हैं उनको भी मैं कैंप लगवा के करवाता हूँ। और गांव की जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और ये सब योजनाएं हैं, तो इसके लिए जो गांव के वृद्ध हैं और ये इनकी पेंशनों का थोड़ा सा समाज कल्याण विभाग से। देखिए मैं उन्हीं पे कार्य कर रहा हूँ कि जिसकी जो चीज़ें नहीं हैं, जो पब्लिक से मुझे मिलता है काम जी, तो मैं उनको करने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से मतलब कार्य कर रहा हूँ और आगे करता भी रहूँगा। और जो जिम्मेदारी आपको प्रधान जिम्मेदारी गई है उस प्रधान पद का 5 साल में अच्छे से निर्वहन कीजिए, जिससे गांव की जनता खुशहाल रहे और किसी तरीके की स्वास्थ्य से लेके शिक्षा से लेके किसी तरीके की जो है मतलब आपके होते हुए इन सब लोगों को इन सब दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जहाँ जो जरूरतें हैं, जो विभाग हैं, जो फतेहपुर जनपद से जुड़े हुए हैं, वहाँ जहाँ जो चीज़ का आपको वो सब लोगों के लिए, सब लोग आपके साथ हर हाँ। मदद के लिए सब लोग खड़े हैं। जैसे देखिए जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना है, तो हमको जो जिसकी जो ज़रूरत है मैं उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से कार्य कर रहा हूँ। एक आखिरी संदेश गांव वालों को दे दीजिए कि क्या आपका गांव वालों के लिए आपको चुना तो 5 साल में उनको क्या क्या सुख सुविधाएँ और व्यवस्थाएँ। ये 5 साल के लिए मुझे अगर जो जनता ने चुना है तो मैं निश्चित रूप से ये चाहूँगा कि सबको जिसको मान लो अगर पात्रता के हिसाब से आवास नहीं है, घर नहीं है, पानी की समस्या है, नाली है, खड़ंजा है, तो मैं उन सब चीज़ों से लोगों को बिल्कुल मुक्त करना चाहता हूँ उन समस्याओं से। और मेरी कोशिश यही है कि आगे मैं काम का इसी हिसाब से कार्य करता रहूँ 5 साल, और 5 साल में मैं इतना कुछ करना चाहता हूँ कि लोग मतलब हम आगे 5 सालों के लिए हमें फिर से मौका दें टाइम आने पे। चलिए धन्यवाद प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि इंडिया में आपका जो है इंटरव्यू जो है वो कारगर रहे गाँव वालों के लिए। शुभकामनाओं के साथ।